हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह तंवर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंटिंग गुरुजी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस, यानी कि एकमात्र ऐसा प्रिंटिंग प्रोसेस जो सबसे ज्यादा सबस्ट्रेट पर प्रिंटिंग कर सकता है। ये किसी भी सबस्ट्रेट, किसी भी थिकनेस, किसी भी साइज और किसी भी मटेरियल पर प्रिंटिंग कर सकता है। मेरे हिसाब से हवा और पानी को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसी कोई चीज नहीं जिस पर स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस से प्रिंटिंग नहीं हो सकती है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर सबसे पहले पाएंगे नोटिफिकेशन हर वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस की। सबसे पहले हम जानेंगे इसका इतिहास क्या है। दोस्तों इसका इतिहास जो है वो 10वीं सदी से शुरू हुआ है, जब सोंग डायनेस्टी चाइना में राज करती थी, तब उन्होंने कपड़ों पर प्रिंटिंग करने के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस का आविष्कार किया। दोस्तों उसके बाद ये प्रोसेस जापान में अडॉप्ट किया गया, जहां पर ये इंसानी बालों का ब्रश बनाकर इससे प्रिंटिंग की जाती थी। उसके बाद दोस्तों यूरोप में इसका आगमन हुआ, वहां सिल्क कपड़ा बहुत रेयरली मिलता था, इसीलिए वहां ये शुरुआत में प्रचलन में नहीं आया। लेकिन बाद में जब यूरोप में सिल्क कपड़ा आसानी से उपलब्ध होने लगा, उसका इंपोर्ट शुरू हुआ, तब जाकर स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस का चलन काफी तादाद में बढ़ गया। दोस्तों इसके बाद 1960 में एंडी वॉरहॉल बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए जिन्होंने स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने मैरिलियन डिप्टिच नाम का एक पोर्ट्रेट बनाया, जो कि एक एक्ट्रेस का पोर्ट्रेट था, जो जिनका नाम था मैरिलियन बोरोई। दोस्तों ये पोर्ट्रेट पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, इससे स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस को काफी योगदान मिला। दोस्तों इसके बाद 1960 में अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और आर्टिस्ट माइकल वेसिलेंटोन ने रोटरी मशीन मल्टी कलर प्रिंटिंग इन स्क्रीन प्रिंटिंग बनाई, जो कि काफी तादाद में पूरे अमेरिका में बिकी। 1967 में इस मशीन का पेटेंट माइकल ने हासिल किया और उसके बाद टी शर्ट प्रिंटिंग के इतिहास में काफी बड़ा बूम आया, यानी कि टी शर्ट प्रिंटिंग का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों ये था इसका इतिहास। इसके बाद हम आते हैं इसके प्रिंसिपल पर। स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस का जो प्रिंसिपल है वो कैपिलरी ट्यूब्स या कैपिलरी प्रिंसिपल पर आधारित है, जिसमें पोरस मटेरियल के छिद्र की वजह से एक तरफ से दूसरी तरफ जो हमारी इंक होती है वो ट्रांसफर होती है, यानी कि जो हमारा सिल्क कपड़ा होता है वो पोरस ओपनिंग्स के साथ होता है, एक मैश यानी एक जाली नुमा कपड़ा होता है, जिसमें से एक तरफ से जब हम प्रेशर लगाते हैं इंक के साथ में, तो इंक हमारी एक तरफ से दूसरी तरफ सबस्ट्रेट पर ट्रांसफर होती है, जिसमें दूसरी तरफ हमारा सबस्ट्रेट होता है और एक तरफ हमारी इंक। जब हम इस कपड़े पर बहुत हाई प्रेशर लगाते हैं तो इंक जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पोरस ओपनिंग इसमें से निकलकर सबस्ट्रेट पर ट्रांसफर होती है। तो दोस्तों ये प्रिंसिपल स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस में काफी कारगर साबित हुआ और स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस इसीलिए आज भी पूरे विश्व में चलन में है। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं इसके प्रिंटिंग टेक्निक पर। स्क्रीन प्रिंटिंग टेक्निक बहुत ही आसान, बहुत ही कम खर्च में होती है। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक सिल्क क्लोथ की। वैसे आजकल ये पॉलिस्टर में भी यूज किया जाने लगा है, मटेरियल नाइलॉन के भी यूज किए जाने लगे हैं, ऐसा कपड़ा बनाया जाने लगा है जो नाइलॉन का होता है या किसी और पॉलिस्टर का होता है, लेकिन सिल्क सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आज भी। स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस में सिल्क कपड़ा जब वुडन फ्रेम या मेटल फ्रेम पर माउंट किया जाता है तो काफी ज्यादा स्ट्रेच फॉर्म में इसको माउंट किया जाता है, इसकी टेंशन बहुत ज्यादा हाई की जाती है और इसकी टेंशन मापने के लिए टेंसियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी यूनिट न्यूटन पर सेंटीमीटर होती है। दोस्तों इस कपड़े की जो टेंशन होती है जब ये वुडन ब्लॉक पर माउंट होता है, वो टेंशन डिसाइड करती है कि हमारी प्रिंटिंग कितनी बेहतर हो सकती है। इसीलिए दोस्तों ये जो कपड़े की टेंशन इस पर डाली जाती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमारे स्क्रीन प्रिंटिंग टेक्निक में। दोस्तों इसके बाद जब हमारा कपड़ा माउंट हो जाता है, उसके बाद फोटो सेंसिटिव इमल्शन अप्लाई किया जाता है हमारे क्लोथ पर। ये इमल्शन जो अप्लाई किया जाता है, इसको अप्लाई करने के बाद सुखा दिया जाता है। ड्राई होने के बाद हमें अब इस पर इमेज बनानी है, यानी कि इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया इस पर डिसाइड करना होता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं एक ऐसी फिल्म जिस पर जो हमारी इमेज है, जो हमारा इमेज एरिया है, वो एंटी यूवी रेज होता है, यानी कि उसमें से यूवी रेज एक तरफ से दूसरी तरफ पास नहीं हो सकती। जो हमारा इमेज एरिया होगा वहां से जब यूवी रेज एक तरफ से दूसरी तरफ पास नहीं होगी, तो हमारा जो फोटो सेंसिटिव इमल्शन जो हमने अप्लाई किया है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अब इसको विस्तार से समझते हैं। जब हमारी फिल्म पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज एरिया के साथ स्क्रीन पर रखी जाती है, तब उसे एक्सपोज किया जाता है यूवी रेज या फिर सनलाइट से। जब इसे एक्सपोज किया जाता है तो यहां पर जो हमारा इमेज एरिया होता है वो
ब्लैक कलर का होता है क्योंकि हमें रेज वहां से पास नहीं होने देनी है और बाकी एरिया हमारा खुला होता है, यानी कि जो नॉन इमेज एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया एक्सपोज होता है और जो हमारा इमेज एरिया है वो एक्सपोज नहीं होता है, जिसके कारण हमारी कोटिंग जो है वो नॉन इमेज एरिया से हार्ड हो जाती है और इमेज एरिया से सॉफ्ट हो जाती है। जब एक्सपोजिंग के बाद हम पानी से इस फ्रेम को धोते हैं, यानी कि इस सिल्क कपड़े को धोते हैं, तो जो फोटो इमल्शन, फोटो सेंसिटिव इमल्शन जो इस पर अप्लाई है वो इमेज एरिया से धुलकर निकल जाता है और नॉन इमेज एरिया क्योंकि वो हार्ड हो चुका है इसलिए वो धुलता नहीं है। दोस्तों जब हमारा इमेज एरिया से ये फोटो सेंसिटिव इमल्शन निकल जाता है तो वहां पर पोरस ओपनिंग्स दिखने लगती है, वहां से हमारी इंक जो है ट्रांसफर हो सकती है। जब इसमें छोटे छोटे फाइन पोरस छिद्र बन जाते हैं तब जाकर हमारा इमेज एरिया एकदम क्लियर होता है। उसके बाद हम पैलेट टेप का इस्तेमाल करते हैं नॉन इमेज एरिया साइड पर, जिससे कि जो हमारी इंक है वो इमेज एरिया के अलावा नॉन इमेज एरिया से पास ना हो सके। इस पैलेट टेप का बहुत बड़ा रोल है। ये पैलेट टेप ये भी इंश्योर करती है कि जो हमारे इमेज एरिया के एजेस हैं वो एकदम शार्प हो, जिससे कि हमारी इमेज एरिया से इंक सिर्फ इमेज एरिया से ही पास हो, ना कि नॉन इमेज एरिया से, या किसी भी तरीके का इंक का लीकेज ना हो सके। दोस्तों जब हम स्क्वीज करते हैं इसमें एक स्क्वीजी की जरूरत पड़ती है, जो कि एक ब्लेड नुमा रबड़ का पीस होता है। जब इस स्क्वीजी से हम फ्रेम पर स्क्वीज करते हैं इंक के साथ में, तो इंक पर जो लगता है प्रेशर, उसकी वजह से इंक हमारा सिल्क कपड़े से एक तरफ से ट्रांसफर होकर उन पोरस ओपनिंग में से निकलकर और हमारे सबसेट पर ट्रांसफर होता है। इस ट्रांसफर की वजह से हमारी कॉन्टेक्ट ऑफ लाइन बनती है स्क्रीन और सबसेट के बीच में। इस कॉन्टेक्ट ऑफ लाइन की वजह से हमारा जो सबसेट है वो हमारे स्क्रीन के साथ चिपक जाता है, क्योंकि ये चिपकने की वजह से ये अपने आप नहीं हटता, तो इसको हटाने के लिए हमें हमारा स्क्वीजी जो है, जो हम एक डायरेक्शन में लेकर आए थे, उसे वापस स्क्वीज करते हुए बैकवर्ड लेके जाएंगे, यानी कि उसी प्रोसेस को रिवर्स करेंगे, तब जाके कॉन्टेक्ट ऑफ लाइन हटती है, जिसकी वजह से स्क्रीन और सबसेट अलग होते हैं। सिल्क कपड़े में एक और क्वालिटी होती है कि अगर इसके छिद्र कम या ज्यादा होते हैं तो वैसे ही हमारी इमेज पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हमारे इसमें छेद बड़े हों या कम संख्या में छेद होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी प्रिंटिंग बहुत ज्यादा फाइन नहीं होगी। इसमें कोर्स जो छेद है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि कम संख्या में होने के कारण ये छेद बड़े होते हैं, जिससे इंक जो है वो ज्यादा पास होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों इसीलिए फाइन जॉब्स में हम सबसे ज्यादा फाइन कपड़ा लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स या नंबर ऑफ ओपनिंग्स बहुत ज्यादा होती है पर इंच में या पर सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब जब प्रिंटिंग हो चुकी है तो सबस्ट्रेट को ड्राई होने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, या तो वो एयर ड्राई हो यानी कि सिर्फ हवा से सूखे, या फिर यूवी क्यूरिंग हो। यूवी क्यूरिंग बहुत जल्दी फास्ट सबस्ट्रेट को ड्राई करता है और एयर ड्राई समय लेता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई स्केल पर नहीं हो सकता। यूवी क्यूरिंग की वजह से बहुत जल्दी प्रिंटिंग ड्राई हो जाती है, इसलिए इस पर मास प्रोडक्शन करना आसान होता है। दोस्तों ये था हमारा स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस में प्रिंटिंग टेक्निक। अब इसके बाद हम इसके टाइप्स पर आते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस तीन तरीके से की जा सकती है, पहला फ्लैट बेड, दूसरा सिलेंड्रिकल, तीसरा रोटरी। फ्लैट बेड सबसे आसान स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस होती है, जिसमें हमारा इमेज कैरियर और सबस्ट्रेट दोनों ही प्लेन सतह पर होते हैं। इसके बाद जब सिलेंड्रिकल स्क्रीन प्रिंटिंग पर आते हैं, जिसमें हमारा सबस्ट्रेट जो है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म पर रखा जाता है और जो हमारा इमेज कैरियर है वो फ्लैट रहता है। तीसरा हमारा रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग में हमारा इमेज कैरियर एज वेल एज हमारा जो सबसेट की स्पेस है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, जिससे कि बहुत ही ज्यादा स्पीड में प्रिंटिंग की जा सकती है और इसकी मदद से हम राउंडेड कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स को भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हमारी बकेट्स हो गई, हमारी इंजेक्शन राउंडनेस जहां जहां आती है वहां रोटरी मशीन की वजह से प्रिंटिंग हो पाती है। दोस्तों स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस का सबसे ज्यादा यूज आज के समय में टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। टेक्सटाइल प्रिंटिंग में भी सबसे ज्यादा टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। दोस्तों स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस में आप कैसी भी इंक यूज कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल पर प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी शेप में प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी थिकनेस का मटेरियल हो सकता है, किसी भी साइज का मटेरियल हो सकता है। स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल नेचर का होता है। इससे कौन कौन से आइटम प्रिंट किए जा सकते हैं, वो हैं बैलून्स, क्लोथिंग, डिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्ट लेबल्स, साइन एंड डिस्प्लेस, स्नोबोर्ड ग्राफिक्स, टेक्सटाइल फैब्रिक, थिक फिल्म टेक्नोलॉजी, पिनबॉल मशीन्स,
इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो इसके साथ प्रिंट की जा सकती हैं। इसके बाद दोस्तों रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती हैं, जो कि रोल टू रोल प्रिंट करती हैं और सबसे ज्यादा इसमें जो कर्व्ड इमेजेस होती हैं, कर्व्ड मटेरियल्स होते हैं वो प्रिंट किए जाते हैं। रोटरी प्रिंटिंग मशीन नॉर्मल प्रिंटिंग मशीन से कहीं ज्यादा यूजफुल होती है। स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस का बहुत ज्यादा चलन स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस का दूसरे प्रिंटिंग प्रोसेस से ज्यादा आगे ना निकल पाने का मेन कारण ये रहा कि इसका यूज करने पर इसमें प्रोडक्शन बहुत ही लिमिटेड हो पाता है और बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस कितना वर्सेटाइल है, इसके प्रिंटिंग टेक्निक्स क्या है, इसका इतिहास क्या है, साथ ही ये कितनी सारी चीजों पर प्रिंट कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस। हर सोमवार शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।